को दे दी है, क्या ऐसी कोई जानकारी आपकी है और इसका क्या फायदा होगा? ऐसा हम सबको अभी ऊपर के अधिकारियों के द्वारा जानकारी मिली है कि उन्होंने अपने गांव की संपत्ति राष्ट्रीय सेवा भारती को दान में दिया है। वहां क्या क्या प्रकल्प खुलेंगे ऐसा हम सब अभी विचार कर रहे हैं। अपने ऊपर के अधिकारियों को जैसा निर्देश होगा उसके अनुसार हम सब यहां वहां पर काम अपना प्रारंभ करेंगे। क्या क्या फायदा मिलेगा? वहां समाज के लिए संगठन ही समर्पित है, इसलिए सेवा भारती के माध्यम से कुष्ठ आश्रम, वनवासी कल्याण आश्रम, गौशाला और सिलाई कढ़ाई केंद्र और ग्राम विकास और जैविक खेती, ऐसा जो हमारे समाज को प्रभावित करने वाली चीजें हैं, प्रयास होगा कि इन्हीं सब पर कुछ काम आधारित हो और वहां काम ही प्रारंभ। इस बार नतीजे हैं, उन्होंने अपनी पूरी पेरेंटल संपत्ति को आरएसएस को दे दिया है, क्या कुछ जानकारी है? ऐसी कोई जानकारी है नहीं, ऐसी कोई जानकारी नहीं, समय ही बहुत ज्यादा है ना, हो सकता है। हमारे छोटे भाई, उनके छोटे भाई लगते हैं अमर जी, ये जो अपनी उन्होंने पुश्तैनी जमीन मकान सुना आरएसएस को दे, क्या आपको जानकारी? हम लोग सब सुनने में आया है कि आरएसएस को दे दिया गया है, और हम लोगों के चर्चाएं थी, बाजार में चर्चाएं थी, गांव से भी हम लोग चर्चाएं थी कि सुनने में आया कि आरएसएस को दे दिया गया है, अब आगे क्या होता है इसकी जानकारी भी हम लोगों को नहीं है। इससे क्या फायदा होगा? अब आरएसएस के लोग जो करें इसमें क्या करने वाले हैं, आरएसएस क्या करते हैं वो आरएसएस वाले जानते हैं। आप लोगों को कब जानकारी हुई कि इस मकान को दे दिया गया है? 15-20 दिन पहले हुआ कि यहाँ के आरएसएस को दे दिया गया है, लेकिन अभी कोई आया नहीं पर यहाँ पर। अमर सिंह जी से यहाँ के लोगों ने बात किया तो अभी स्पष्ट नहीं हो पाया।